जिला के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की संकल्प अनुसार माझी मुंबई स्वच्छ मुंबई मुहिम दिनांक 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक समक्ष मुंबई उपनगर में चलाई जाएगी। इस मुहिम के अंतर्गत मुंबई पी उत्तर विभाग महापालिका में स्थित कमल तलाव के पास दिनांक 1 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक असलम शेख तथा सहायक आयुक्त किरण दिगावकर जी तथा पूर्व नगर सेवकों की उपस्थिति में स्वच्छता मुहिम की शुरुआत की गई। पी उत्तर विभाग में स्थित सभी 18 तालाबों में 11 तालाब राज्य शासन, 3 तालाब म्हाड़ा, 2 तालाब जिलाधिकारी तथा 3 तालाब महापालिका के कार्य क्षेत्र में पड़ते हैं। आज कमल तालाब की स्वच्छता हेतु अनेक नागरिक, समाज सेवक, महापालिका कर्मचारी, स्थानिक रहवासी उत्सुकता के साथ जमीन पर दिखे। उपस्थित सांसद तथा विधायकों ने उपस्थिति लोगों का मार्गदर्शन भी किया। इस स्वच्छता मुहिम में मालवनी में स्थित मुंबई पब्लिक स्कूल टाटा मालवनी विलेज के लोगों ने सहभाग लिया। साथ ही माइग्रेंट सोसाइटी, वंदे मातरम शिक्षण संस्था और अन्य सहकारी संस्थाओं ने भी उपस्थिति दर्ज की। जेसीबी, क्रेन और अन्य यंत्रों का उपयोग कर इस तालाब की साफ सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया। उत्तर विभाग में स्थित हीरा देवी तालाब, भाटी गाँव और शांताराम तालाब की भी सफाई जल्द की जाएगी। इस प्रकार से ही विभाग के अन्य 18 तालाबों की स्वच्छता भी इस मुहिम के दौरान की जाएगी। देखा जाए कि आज कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही मंच पे देखने को मिली, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता। कहीं कहीं ऐसी बात आ जाती कि जहाँ पे एकत्रित होना पड़ जाता है आम जनता के प्रति, लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से तालाब की बात आती है, 18 तालाब की बात आती है, साफ सफाई की बात आती है, तो सर इसके बारे में क्या है और आज क्या मुख्य उद्देश्य आपने कहा है मंगल प्रभात के नेतृत्व में हो रहा है, बताइए सर। देखिए मैं ये कह रहा था कि भारत एक देश है, देश के प्रधानमंत्री हमेशा 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, इसलिए एक देश है, एक साथ मिलकर हम काम करने का प्रयास करते हैं। कोई साथ में आता है तो उनको साथ में लेकर चलते हैं, कोई नहीं आता तो उनको छोड़कर चलते हैं, काम तो होना है ना। ये जो कमल तालाब है इसमें इस प्रकार के कमल खिलते हैं। ये एक ऐसा तालाब है जिसमें पिंक कलर का कमल आपको देखने के लिए मिलता है और ये कमल कमाल करेगा आने वाले दिनों में। ये तालाब का सुशोभीकरण हमने कुछ साल के पहले शुरू किया था, उसको महानगर पालिका ने हाथ में ले लिया। हज़ारों पाइपलाइन अंदर थे उसको हमने बाहर निकाल दिया और लोगों के जो 10 रास्ते थे आने के वो सारे बंद करके अब 2 रास्ते बचे हैं। मैंने डिगावकर जी से कहा कि वो भी 2 रास्ते बंद कर दो, लोगों को जाने के लिए अलग रास्ता बना लो, ताकि ये पूरा जो कमल तालाब है उसकी खूबसूरती बनी रहेगी। अब मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से इसका कामकाज प्रारंभ हुआ है। मैं मुंबई शहर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने इस मुहिम को आज प्रारंभ किया। मंगल जी एक व्यापारी है, इसलिए उनको पता है कि काम कैसे करवा कर लेना, तो उन्होंने सिर्फ आदेश ही नहीं दिया तो 180 करोड़ रुपया महानगर पालिका को दिया है। सर आपने तालाब ही नहीं, मैं मेरी बात को पूरा करने दो, मंगल प्रभात जी ने 180 करोड़ रुपया दिया है और पैसा हाथ में आने के बाद मुंबई महानगर पालिका भी हलचल कर रही है। हम बच्चों को भी चॉकलेट नहीं देते तब तक वो हलते नहीं है, तो ये काम करने का तरीका है। महानगर पालिका दिलचस्पी ले रही है और मैं भाग्यवान इसलिए हूँ कि मेरे यहाँ पर किरण दिगावकर जैसे एक विजनरी असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है जिन्होंने इसको काम को हाथ में लिया है। बहुत जल्दी इसका आपको नक्शा बदला हुआ दिखाई देने के लिए मिलेगा। 18 तालाब मुंबई महानगर पालिका के हाथ में आने वाला है, कलेक्टर ने उस प्रकार का आदेश ऑलरेडी निकाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि ये सेवा भावी संस्था के लोगों को देना चाहिए चलाने के लिए। महानगर पालिका बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा करती है लेकिन उसका देखभाल जैसा होना चाहिए वो होता नहीं है, वो उनका लुकआउट है, वही चलाते तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तालाब में बोटिंग चालू होना चाहिए इसकी मैंने मांग की है। हमारे बच्चों को कहीं भी घूमने फिरने के लिए कोई सुविधा नहीं है, साधन नहीं है। हम टीवी में भी देखते हैं कि बोटिंग होता है, बच्चे उसमें बैठते हैं, लेकिन मुंबई शहर में कहीं भी इस प्रकार का सुविधा नहीं है। झांसी की रानी में मैं प्रारंभ करने के लिए मैंने प्रयास चालू किया है, वीर सावरकर में हमने किया था लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। फिर एक बार जितने भी बड़े बड़े तालाब है उसके ऊपर खर्चा करके उसका मेंटेन भी करना चाहिए, लेकिन बड़े तालाबों में बोटिंग महानगर पालिका ने शुरू करना चाहिए, इस प्रकार की भी मैं मांग कर रहा हूँ। रिजनेबल रेट में लोगों को बोटिंग करने की सुविधा अगर मिलती है तो बहुत आकर्षित लोग होंगे और एक टूरिज्म स्पॉट करके ये जो कमल तालाब है वो आने वाले दिनों में नाम रोशन करेगा। माजी मंत्री असलम शेख जी ने कहा है कि ये प्रोसीजर तालाब 18 जो 18 तालाब है जो साफ सफाई की बात आती है हमारे प्रोसीजर से था, लेकिन अब सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब एक कार्य चालू हुई, मुझे भी अच्छा लगा, इस तरह की बातें उनका कहना था। लेकिन आपका ये भी कहना था कहीं ना कहीं कहीं गार्डन हो या तालाब हो उसमें आइसक्रीम, पानी पूरे से कई ऐसे धंधे लगे जिसमें कमर्शियल की बात नहीं, एक मनोरंजन की भी बात आनी चाहिए, गार्डन दिखे, इस पर क्या कहना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पहले दिन से ही बच्चे जब घूमने के लिए आते हैं 2-3 घंटे घूमते हैं
तो उनको पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर बच्चों को आइसक्रीम, भेलपूरी, पानीपूरी इस प्रकार की चीज़ें अगर खाने के लिए मिलता है तो और ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे, लोगों को रोज़गार मिलता है, पैसे खर्चे होते हैं, पैसा आप खर्चा करो तो ही आपका देश का GDP बढ़ेगा। आपका देश का GDP धंधा करके टैक्स लेने से तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसमें से भी बड़े पैमाने पर रोज़गार उपलब्ध होता है, तो ये भी हमको आने वाले दिनों में करना चाहिए, इसकी भी मैंने मांग की है। और जो बात आपने बताई कि कांग्रेस ने चालू किया उसको फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, ये हमारी सोच है। पिछले 3 साल में तो जो हमने शुरू किया था उसको बंद करने का काम इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने जो सोचा उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारत देश के लोगों की अपेक्षा है, बंद मत करो, जो बंद चीज़ पड़ी है उसको चालू करो। भगवान ने हमको क्रिएट करने के लिए बनाया है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के सोच के मुताबिक हम काम करते हैं, जहाँ जहाँ भी प्रकल्प बंद है उसको हम आने वाले दिनों में शुरू करके लोगों को सुविधा मिले इस प्रकार के और आगे बढ़ेंगे। माझी मुंबई स्वच्छ मुंबई अभियान की शुरुआत की गई है, क्या संदेश दे रहे हैं? आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाते हुए मुंबई में उपनगर मुंबई के पालक मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के माध्यम से मुंबई के सभी 15 ऐसे महानगर पालिका के हद में माझी मुंबई स्वच्छ मुंबई अभियान की आज शुभारंभ और उसकी शुरुआत हुई है। ये सिर्फ मार्केट साफ़ सफाई या तालाब साफ़ सफाई या रास्तों के साफ़ सफाई या बीच के साफ़ सफाई को छोड़कर भी ये पूरे मुहिम जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाने जा रही है, ये पूरे मुहिम में ई वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर इको ब्रिक्स तक जो भी पर्यावरण से नाता रखता है ऐसी चीज़ों को, जो यूनिक चीज़ें, ये समस्त मुंबई के 15 महानगर पालिकाओं में ये चलाई जाएगी और पूरे मुंबई करों के मन में एक उत्साह की लहर है, एक इच्छा की लहर है, इच्छा शक्ति पर्यावरण के लिए कुछ कर दिखाने के लिए। तो हर मुंबई कर सभी मुंबई के कोनों में, चाहे वो कोई संस्था के माध्यम से हो, चाहे वो कोई NGO के माध्यम से हो, चाहे कोई सोसाइटी के माध्यम से हो, ऐसे बड़ी संख्या में मुंबई कर ये अभियान से जुड़ रहे हैं। खासदार साहब ने आज इस तालाब की बात करी कि यहाँ पे बोट चलाने की मांग की उन्होंने, साथ ही बच्चे लोग को खाने पीने की स्टॉल लगाने की मांग की, तो मुंबई यूथ BJP की तरफ से इसमें कितना सहयोग रहेगा, किस तरह से आप लोग देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मुंबई का युवा, खास करके मलाड विधानसभा का जो युवा है, वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि उन्हें किरण दिगावकर जी जैसे एक असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर यहाँ पर मिले हैं, जिन्होंने मुंबई में खास करके वर्ली विधानसभा में जहाँ पर पहले उनकी पोस्टिंग थी वहाँ का चेहरा बदलने की पूरी कोशिश की और ऐसा ब्यूटिफिकेशन किया कि मलाड की जनता चाहती है कि वो यहाँ पर मलाड में भी उसे वो दोहराए। उनके नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्वच्छता का ये मुहिम चल रहा है, और जैसे आदरणीय गोपाल शेट्टी जी हमारे सांसद जी ने बताया कि हमने तालाब से शुरुआत की, क्योंकि हम थाने को लेक सिटी बोलते हैं जबकि थाने में 4 तालाब है, लेकिन मुंबई शहर के अंदर मलाड एक ऐसी जगह है जहाँ पर 18 तालाब है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि 18 तालाब को सही मायने में युवा मदद करके साथ देते हुए इसको सुशोभीकरण तो करेंगे ही, लेकिन इसको मेंटेन करेंगे और पूरे मुंबई के अंदर टूरिज्म मिनिस्ट्री के मदद से कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और ये मलाड के लेक्स देखे, ये सुनिश्चित करने का काम हम सब युवा मिलकर करेंगे। कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपको 18 तालाब, कितने दिन में पूरा होगा? देखो, 18 तालाब की साफ सफाई का अभियान ये 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में पूर्ण करने का हमने निर्णय लिया है, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा BMC से, थोड़ा आदरणीय लोढ़ा जी के DPDC फंड से हम ये कोशिश करेंगे कि 18 के 18 तालाब अलग अलग तरीके से, कहाँ पर बोटिंग, कहीं पे कुछ अलग बच्चों की खेलने की चीज़ें, या फिर जो सिंगापुर स्टाइल में एक वॉकिंग प्लेटफॉर्म, तो उस तरीके के एक अलग अलग जो आकर्षित करने वाले लोगों को चीज़ें हैं, इसके माध्यम से 18 के 18 तालाब डेवलप किए जाएंगे। काम के मामले में हमारी दिक्कत ही नहीं हुई, लेकिन जो सफाई अभियान की आज यहाँ पे इस तालाब की शुरुआत हुई है, इसको जो है पहले बनाया गया था और अभी जो जितने तालाब बनना चाहिए वो साइंटिफिक तरीके से बनना चाहिए, वरना पैसे भी जाते हैं और तालाब भी अपनी जगह पर रहता नहीं और ख़राब हो जाता है। तो सारे तालाब को साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, सारे तालाब जो कलेक्टर के पास है वो महानगर पालिका को हैंड ओवर होना चाहिए और सबका सुशोभीकरण हो, ताकि वहाँ पे जो बॉडीज लोकल, जो आज पानी की जो बॉडी की बहुत ज़रूरत है मुंबई शहर में, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है पानी उतनी आगे चल के किल्लत होने वाली है, अगर ये सारी चीज़ को अगर संभाल के रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये एक ऐसा तालाब है जिसमें 2 टाइप के कमल आते हैं जो मेरे ख्याल से जग में जल्दी आपको कहीं दिखा नहीं,
एक तो पिंक कलर के आता है और एक ब्लैक भी आता है, तो मेरे ख्याल से एक यूनिक चीज़ है, इसको प्रिजर्व करना हम सबकी जवाबदारी है। कहीं कहीं देखा जाए कि आपने कहा कि हम जब हमारी सरकार थी तब इसके पहले हमने प्रपोजल डाला हुआ था, लेकिन आज वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी ये कार्य चालू हो गया है, तो जिस तरह से ये कार्य चालू है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, कई कितने तालाबों में आप ये कार्य करना चाहेंगे, कितने सस्ता भी है, कहाँ कहाँ कौन से तालाब पे है? ऐसा है कि गोपाल भाई ने क्लियर कहा कि सभी लोगों का काम है, कोई भी सरकार का काम है कि कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट करना, और उस डेवलपमेंट की शुरुआत कौन करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। पब्लिक को क्या पड़ी कि कौन सी पार्टी ने किया है, एरिया डेवलप होना चाहिए, पूरे जो तालाब इस तरीके से वाला, जिस तरीके से वाटर बॉडी, अगर इसको हमने प्रिजर्व नहीं किया तो आगे चल के ज़मीन के अंदर पानी नहीं होगा, ज़मीन के अंदर पानी नहीं आएगा तो ट्यूबवेल में नहीं आएगा, ट्यूबवेल में नहीं आएगा, बाकी कई जगहों पर आज भी जो है इस तरीके के पानी का उपयोग किया जाता है, तो ये वाटर बॉडी रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके इससे पहले हम लोगों ने कई तालाब लिए थे, अभी ये सरकार और कई तालाब लेगी तो मेरे ख्याल से मुंबई शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। तालाब की बात आई है यहाँ पे, और ये देखा जाए कि गार्डन कई दिनों से बना हुआ, तालाब कई दिनों से बना, लेकिन स्वच्छता अभियान आज ही देखने को मिल रहा है। नहीं, ये एक्चुअली आज कैमरा लेके आप आए हैं, इससे पहले जब पीयू मेहता साहब ने इसको डेवलप किया था तब भी इसको पूरी तरीके से साफ सफाई किया था, उसके बाद में जब महानगर पालिका के फंड लगा के जब किया गया था तब मैं खुद खड़ा रहकर इसको उस लेवल पे नीचे नहीं जाने दिया, मुझे पता था कि अगर उस लेवल तक का नीचे अगर करेंगे तो पानी ये भी सड़ जाएगा, तो आज ये देख सकते हैं। बहरहाल ये है कि आजू बाजू की एरिया डेवलप हुई है, उसके अंदर उनके कुछ पहले नाले वगैरह थे, बाद में जो है डेवलपमेंट किया गया, गोपाल भाई ने हमने मिलकर वहाँ पे जो है नाला लगा बना दिया ताकि लोगों का पानी वहाँ से निकल सके, अब बनते बनते आस्ते देश उठेगा। सर देखा जाए कि जिस तरह से यहाँ के अंदर और संसद जी यहाँ पे एकत्रित थे, जिस तरह स्वच्छ अभियान की बात आई है, तो ये कितने दिनों में पूरी हो सकती है, आपके हाथों में दिया गया है और कैसे आप प्रस्ताव पास करेंगे इसके बताइए। नहीं, माननीय पालक मंत्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा, उन्होंने एक आदेश दिए थे कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे मुंबई शहर में एक स्वच्छ भारत अभियान ये किया जाए, और उसके हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान में अलग अलग जैसे स्थानिक स्कूल्स है, जैसे रोड से उनकी सफाई का एक अभियान करके बच्चों को, एनजीओस को, सबको साथ में किया जाए। एक मलाड़ की एक विशेष बात है जो हमेशा छुपी रही है, उसको इतना कभी किसी ने गौर से देखा नहीं है कि मलाड़ में 18 तालाब है। मेरे ख्याल से पूरे मुंबई में जितने भी एरियाज़ है उसमें से मलाड़ इकलौता एक किस्मत वाला एरिया है जिसमें 18 स्वीट वाटर के पॉन्ड्स है, और इनको प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। तो काफ़ी बार देखा गया कि हम समुंदर पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि समुंदर की सफाई, बीच क्लीनिंग, इसके ऊपर काफ़ी बातें होती है, लेकिन मुंबई में तालाब की बातें काफ़ी कम हो जाती है, तो इसलिए उसको आकर्षित करने के लिए आज स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमने तालाब की सफाई से किया हुआ है कि जैसे तालाब के अंदर जो भी सिल्ट होगा वो डिसिल्ट किया जाए। काफ़ी बार लोगों ने प्लास्टिक और कूड़ा कचरा फेंका हुआ है उसके अंदर, वो सालों साल साफ नहीं हो रहा है तो उसको निकाला जाए। उसके साथ साथ जैसे वीटी जैसे एरिया में जैसे हेरिटेज टूर होता है, वैसे हमें आज मलाड़ में हम वैसे लेक टूर कर सकते हैं कि जैसे लेक टूरिज़्म आज आगे लाया जा सकता है, ये सारे 18 लेक्स एक टूरिज़्म का स्पॉट बना जा सकता है, तो उसको एनवायरनमेंट के एंगल से साइंटिफिकली उसको साफ करके उसको अच्छे से बनाने का प्रयास महापालिका ने आज स्वच्छ भारत के माध्यम से किया हुआ है। कितने दिन में पूरा होगा सर? हमारी कोशिश है कि ये 18 तालाब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर जो अभियान है उसके अंदर सारा 18 तालाब की साफ सफाई होगी, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, उसके साथ साथ इसको ब्यूटीफाई करना, उसके लिए परमानेंट जैसे कंक्रीट का ये बनाया गया है उसको रिप्लेस करके अच्छे बच्चों को लाने के लिए उसको ग्रीनरी बढ़ाना, उसके ऊपर भी प्रयास किया जाएगा।